हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना? कैसी बात कर रहे हो, हमें कौन अलग करने वाला है? अरे भाई पूछना पड़ता है, क्या पता कब अपना मन बदल लो तुम। कुछ भी, ये मेरी हैप्पी प्लेस है, इससे दूर जाऊंगी तो मेरा दम ही घुटेगा। मैं सांसें बंद कर आऊंगा ना फिर। ओहो शायर साहब, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट। हां जी गुड नाइट। कुछ दिन यूं ही बीते, इस दौरान श्वेता की कॉलेज में एक लड़के से नई नई दोस्ती हुई और उसका नाम था रोहन। रोहन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। रोहन उस टाइप का लड़का था जिसको लड़कियों के साथ रहना, घूमना फिरना ये सब बहुत पसंद था। उसके काफी पास रह चुके थे और लगभग सभी लड़कियों को उसने यूज करके छोड़ दिया था। इतने खराब रिकॉर्ड के बाद भी रोहन नहीं सुधरा था। वो दुनिया को दिखाता था कि वो शरीफ है, सुधरा हुआ है, लेकिन उसकी नीयत बहुत खराब रहती थी लड़कियों को लेके। श्वेता और रोहन की दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई। खूब हंसते बोलते साथ में, कॉलेज के 8 आवर्स वो लोग लगभग साथ में ही रहते। श्वेता रोहन को अनिकेत के बारे में बता चुकी थी और तरह तरह की बातें डिस्कस करती साथ में। जब भी अनिकेत से कोई झगड़ा होता वो रोहन को जाके जरूर बताती, क्योंकि वो अब उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। अनिकेत को रोहन का इस तरह से इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता। श्वेता रोहन के बहकावे में आ रही थी। अनिकेत यार, प्रोजेक्ट भी बनाना है, कैसे होगा? आपके पास भी टाइम नहीं है? चलो एक काम करती हूँ, मैं रोहन से बात करती हूँ, वो पक्का हेल्प करेगा मेरी। कौन है ये रोहन और ये चल क्या रहा है? इतना क्यों इंटरफेरेंस हो रहा है उसका तुम्हारी लाइफ में? कभी रोहन मेरे लिए ये लाया वो लाया, उसने मेरे लिए ये किया वो किया, चल क्या रहा है श्वेता ये सब? अनिकेत व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ही इज जस्ट माय फ्रेंड, और तुम्हें तो वैसे भी हर लड़के से दिक्कत होती है। मुझे प्रॉब्लम हो भी क्यों ना श्वेता, तुम मेरी हो और जो भी ये दोस्त बने हैं तुम्हारे कॉलेज में, मुझे साफ पता चल जाता है कि किसकी कैसी इंटेंशन है। और ये रोहन जो है ना, इसकी कोई ठीक इंटेंशन नहीं है। Try to understand, Shweta. तुम इससे दूर ही रहो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मुझे मत बताओ किसकी कैसी इंटेंशन है अनिकेत, अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे भी दिखता है, और रोहन एक अच्छा लड़का है। तुम्हें तो मेरी लाइफ में हर लड़के से प्रॉब्लम हो जाती है, यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलते ही गुस्से में श्वेता ने फोन रख दिया। बस फिर क्या, जो हमेशा होता था, श्वेता गई रोहन के पास, उसने सब बताया, और फिर जो रोहन ने श्वेता को अनिकेत के खिलाफ भड़काया है, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया श्वेता का, और उसके बहकावे में आके श्वेता डिस्टेंस करने लगी अनिकेत से। ऐसे ही कई बार अनिकेत ने समझाने की कोशिश करी श्वेता को, लेकिन वो हर बार अनिकेत की ओवर पोसेसिव न समझ के उल्टा उससे झगड़ा कर लेती थी। श्वेता और अनिकेत की अब बात होना बंद हो चुकी थी, लेकिन बात होना बंद हो जाने का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप अपने इंसान की फिक्र करना छोड़ दें या उस पर नजर रखना छोड़ दें। एक दिन रोहन ने हाउस पार्टी रखी और उस पार्टी में सबको इनवाइट किया, श्वेता को भी। श्वेता रेडी होके जाने लगी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, वो भी पहुंची। पहुंचने के बाद वहां देखा तो रोहन के कुछ अपने दोस्त भी आए हुए थे, पैक बनने लगे, सबके हाथ में अपनी अपनी ड्रिंक्स थी। रोहन सबके लिए ड्रिंक्स बना रहा था, अचानक उसने श्वेता की ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाया, जिसको पीते ही श्वेता बेहोश होने लगी। श्वेता वहां गिरी तो सब लोग चौंक गए। रोहन ने कहा वो श्वेता को अंदर रूम में सुला देगा, आप सब लोग एंजॉय करो। बस फिर क्या, श्वेता को अंदर ले जाने के बहाने रोहन उसको अंदर लेके गया, और फिर उसकी नीयत जो खराब होनी शुरू हुई है। इससे पहले वो कुछ करता, उस रूम का दरवाजा बहुत जोर से आवाज करते हुए खुल गया, और उसके बाद का मंजर कुछ यूं था कि चौखट पे अनिकेत खड़ा था, गुस्से से बेहद लाल। बिना देरी करे वो भाग के अंदर आया, रोहन का कॉलर पकड़ के घसीटते हुए बाहर तक लेके आया, और सबके सामने जो उसने तोड़ा है रोहन को, देखने लायक था वो सीन। अगले दिन जब श्वेता की आंख खुली तो वो अनिकेत के बेडरूम में सोई हुई थी। जब वो बाहर उठ के आई तो देखा अनिकेत काउच पे सो रहा था, और ध्यान से देखा तो अनिकेत के हाथ पर और चेहरे पर काफी चोट के निशान थे। अनिकेत, ये सब चोट कैसे लगी तुम्हें, और मैं यहाँ कैसे आई तुम्हारे घर पर? मैं तो कल रात रोहन के यहाँ पार्टी में थी ना। हाँ, तुम जिसकी पार्टी में गई थी, उस इंसान ने तुम्हारी ड्रिंक में कोई ड्रग मिला दिया था, and then he took you upstairs in his room and then he was forcing himself on you. पर तुम वहाँ पहुँचे कैसे? How did you know कि मैं वहाँ हूँ? तुम्हें लगा तुम उससे बात नहीं करोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो
तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो। तुम्हारा बंदा इतना भी केयरलेस नहीं है यार। मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अनुकृति ने बता दिया था कि तुम लोग ऐसे ऐसे पार्टी में जा रहे हो, और मुझे रोहन पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। मैं बहुत देर तक रहा वहीं, फिर थोड़ी देर में मुझे कॉल आई अनुकृति की कि ऐसे ऐसे तुम अनकॉन्शियस हो गई हो। मैं समझ गया रोहन की इंटेंशंस और भाग के अंदर आया, उसे खूब मारा और तुम्हें अपने घर ले आया, क्योंकि इतनी रात में तुम अपने घर जाती तो मम्मी पापा गलत समझते हमें। मेरे मम्मी पापा थे नहीं, बाहर गए हुए थे। फिर तुम्हें अपने रूम में सुला के मैं बाहर काउच पे जाके सो गया। श्वेता के आंसू रुके ही नहीं और रोते रोते उसने गले लगाया और अनिकेत से खूब माफिया मांगी। इस सब के होने के बाद एक चीज जरूर रियलाइज हो गई श्वेता को कि अनिकेत अगर उससे किसी चीज से रोक भी रहा है ना, तो उसके भले के लिए ही है। पता है, हम कई बार अपने पार्टनर से झगड़ा कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, बिना सोचे समझे कि उनका पॉइंट भी सही हो सकता है या उनकी इंट्यूशंस भी ठीक हो सकती हैं। एक लड़के को एक लड़के की और एक लड़की को लड़की की इंटेंशंस पता चल जाती हैं। दोस्त बनाना गलत नहीं है, लेकिन दोस्त कैसे बन रहे हैं वो देखना समझना ज्यादा जरूरी है। आपको लोग हमेशा अच्छा अच्छा दिखाते हैं अपने बारे में, इसलिए पता नहीं चल पाता कौन कैसा है। किसी के बहकावे में मत आओ। कोई तुम्हारे रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करे तो समझ जाओ उसकी नीयत ठीक नहीं है।